लोगों को जानकारी का अभाव है, ये पुरुषोत्तम मास है और पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव की पूजा करने का काफी फलदायक भी होता है, उससे भगवान विष्णु भी काफी प्रसन्न होते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास में तीसरे सोमवारी है जो कि उम्मीद से ज्यादा इसमें जलाभिषेक हुआ है पुरुषोत्तम मास में, और आगे भी हम लोग आठों सोमवारी की तैयारी करके रखेंगे। जिस प्रकार से भीड़ होगा, इस प्रकार से भीड़ से हम लोग सरकने के लिए तैयार हैं, और बाबा गरीबनाथ का कृपा रहा कि किसी प्रकार की कोई हताहत भी नहीं हुई। कितना लोग आ चुके होंगे अभी तक? लगभग 1,20,000 के समथिंग जलाभिषेक हुआ होगा, और रात तक 1.5 लाख समथिंग जलाभिषेक लोकल कमरिया और डाटा और दोनों मिला के हुआ। व्यवस्था क्या थी मंदिर में आज? मंदिर में हमारी आठों सोमवारी का सेम व्यवस्था रहता है, और मंदिर के बाहर ही पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत सराहनीय व्यवस्था है। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही बरती नहीं जा रही है, और ना ही भक्त को किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा। एकदम बहुत श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक जलाभिषेक कर रहा है, लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। मैं महंत अभिषेक पाठक हवा खरीदना था जी। इतनी मुश्किल हुई? बहुत, लेकिन जल चढ़ा लिया। जी जी, चढ़ा लिए। कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से कितने साल से चढ़ा लिए? हाँ, 10-20 साल से। 10-20 साल से जी। छाता बाजार गांधी मूर्ति के समीप से जो हमारे सेवक और जो वहाँ पे संस्था के सदस्य हैं, और जो हमारे पुलिस प्रशासन और खोल के रखिएगा सारे आदमी। दबा